ओए नहीं रो पी रो, वो अजीबो गरीब प्राणी आ गया था फिर से। अरे ओ यारो, तुम लोगों को तो मालूम ही है, जब से हमारे बस स्टैंड में वो आइसक्रीम मैन और वो डेंजरस विलन जोम्बीज और वो घटिया ईविलाल कुछ तो नहीं भूल सकते, जब से ये बस स्टैंड में आए कतई मैं बता बता के परेशान हो गया हूँ तुम लोगों को, क्या क्या हो रहा है हमारे बस स्टैंड में। वैसे टिप्टन ने मेरे को 4 बार कॉल कर चुका है, पता नहीं क्यों कर चुका है, पर कर चुका है। जो भी हो, जाकर देखना पड़ेगा क्या हुआ इस टिप्टन को, ये क्यों मेरे को परेशान कर रहा है फ़ोन कर करके। मैं अपने दर्द से वैसे भी दर्द डर गई। खैर जो भी हो, टिप्टन ओए टिप्टन, मैं रोपिनो तू आ गया। अबे मेरा भूत थोड़ी ना आया है, मैं ही आया हूँ। रोपिनो तेरे को मालूम है वो आया था, वो घटिया डेंजरस विलन, और उसने मेरे को बहुत मारा, बहुत सुनाया, उसने मेरे मिलिट्री बेस भी तोड़ दिए। क्या हम लोगों को न्यू मिलिट्री बेस बनाने होंगे? ओहो समझ गया। टिप्सन तू फिकर मत कर, मैं कुछ करता हूँ, पर मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरे को तो कुछ समझ में ही ना आ रहा है। टिप्सन तो वैसे भी परेशान है। अरे रे, ये ईविलल का क्यों ना चैन से जीने देता और ना जीता है। खैर जो भी हो, हम लोगों को कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करूँ, आयरन मैन के पास जाऊँ क्या? आयरन मैन कुछ मदद करेगा हमारी, पता नहीं, या फिर एक इंसान है जो हमारे लिए मिलिट्री बेस बना सकता है। यारो हम लोग उसी के पास चलते हैं, फटाफट से इस गाड़ी को घुमाते हैं और जल्दी से निकल लेते हैं। यारो वो इंसान एक ऐसा है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो अगर चाहे तो हमारे लिए बहुत सारे मिलिट्री बेस बना सकता है। अब शिट यार, एक तो ये पुलिस वाले कतई चारों ओर से मेरे को घेर के रख रखा है, इन लोगों ने कतई परेशान करते रहते हैं हमेशा मेरे को। अबे घटिया पुलिस वालों, चैन से जीने दो यार मेरे को। यारो हम लोग चलते हैं फटाफट से, अबे सब लोग हट जाओ यहाँ से। अब हम लोग सिर्फ एक ही इंसान पर भरोसा कर सकते हैं और वो है ईविल नन। हम लोग ईविल नन के पास चलते हैं, ईविल नन ही अब हमारी मदद करेगी, वही कुछ ना कुछ कर सकती है। यारों हमने ना ईविल नन को एक ऐसी जगह पर सुरक्षित रखा है जहां पर ईविल हल्क उस तक ना पहुंच पाए, क्योंकि तुम लोग तो जानते हो ईविल हल्क उस ईविल नन को पाना चाहता है, क्योंकि ईविल नन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और रुक रुक, उतर उतर गाड़ी में से, उतर जल्दी से, मेरे को अपनी कार दे दे प्लीज़ यार। यारो फटाफट से भाग लो, मेरे को किसी भी तरह से ईविल नन को लेकर आना ही होगा, उससे मिलिट्री बेस बनवाना ही होंगे। अगर उसने नहीं बनाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी यार, तुम लोग तो जानते ही हो। मैंने फुटबॉल स्टेडियम के पीछे ईविल नन को एक बक्से में कैद करके रख रखा है, क्योंकि तुम लोग तो जानते हो ईविल नन भी एक बहुत बुरी चुड़ैल है। अगर वो आज़ाद घूमती रही बस स्टैंड में तो वो कभी भी ईविल हल्क के साथ मिल सकती है। अब यार इस गाड़ी के टायर पंचर कर दिए इन पुलिस वालों ने, गोलियां मार मार के, लेकिन मैं फिर भी लेके जाऊंगा इतने, कतई कुछ भी हो जाए मैं जरूर ईविल नन से मिलिट्री बेस बनवाऊंगा। ईविल नन मैं आ रहा हूँ कतई तेरे को आज़ाद करने के लिए, बस तू मेरे लिए मिलिट्री बेस बना दिए, अगर नहीं बनाया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी यार, कतई पूरे बस स्टैंड में हाहाकार मच जाएगा। ओए रुक, अबे रुक जा, अबे नहीं यार सेठ, मैं फिर से पानी में नहीं जाना चाहता हूँ यार प्लीज़। मैं तो थक गया, मैं रुक जा भैया, रुक जा प्लीज़ यार रुक जा। हाँ आखिरकार मैं बच गया। यारो फटाफट से पानी के ऊपर चलो, जल्दी से पानी के बाहर निकल रो पी रो, अब पानी बहुत ठंडा है भैया, मर गया मैं तो, अरे अरे बहुत ठंडा है पानी। ओह आखिरकार मैं निकल आया। वो देखो यार, यही वो जगह है जहाँ पर मैंने ईविल नन को बहुत सालों से कैद करके रख रखा है, एक बार ईविल नन अगर हमारी मदद करेगी तो कतई मजे ही हो जाएंगे। वो देखो वो रहा बॉक्स है जिसमें ईविल नन बहुत सालों से कैद है, क्या लगता है मेरे को आज़ाद करना चाहिए? करके देख लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ईविल नन मेरी मदद कर, वो ईविल हल्क को पूरे बस स्टैंड में मिलिट्री बेस बना रहा है, हमारे मिलिट्री बेस तोड़ रहा है, पूरे बस स्टैंड की ऐसी की तैसी करके रख रखी है, कुछ कर ईविल नन कुछ कर। या, या, या। क्या ये तो चली गई, लेकिन इसने एक बहुत मस्त प्लान बताया है मेरे को। यारो तुम लोग तो जानते ही हो। यारो फटाफट से यहाँ से भागो, भागो रे भागो, जल्दी से यहाँ से निकल लो, फटाफट से इसको चढ़ते हैं और ऊपर निकल लेते हैं। यारो ईविल नन ने कहा था कि रोपिरो अगर तेरे को मिलिट्री बेस बनाना है तो तेरे को फटाफट से उस कैमरामैन को आज़ाद करना होगा, वो कैमरामैन ही अब हमारी मदद कर सकता है। सिकी बिड़ी टॉयलेट के पास है वो कैमरामैन, हम लोगों को सिकी बिड़ी टॉयलेट के पास जाना होगा। जो भी सिकी बिड़ी टॉयलेट के पास जाता है कतई वो उसको खा जाता है, लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा, ईविल नन ने कहा है तो। ईविल नन ने जो भी कहा है सही कहा है, हम लोगों को कैमरामैन को लाना ही पड़ेगा, और अगर नहीं ला पाए तो मिलिट्री बेस तो गया तेल लेने, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। खैर छोड़ो जो भी हो, हम लोग जल्दी से भागते हैं, फटाफट से भागते हैं। हाँ थक गया यार भागते भागते मैं तो। ईविल नन
इविल नन ने तो कहा था कि सिक्की बिड़ी टॉयलेट के घर जाइए। चलो यार हम लोग चलते हैं सिक्की बिड़ी टॉयलेट के घर, अब जो होगा देखा जाएगा। बस सिक्की बिड़ी टॉयलेट मेरे से थोड़ा प्यार से बात करे, वरना अगर भड़क गया तो मेरे को खा जाएगा। यार तुम लोग तो जानते हो मेरे को प्यार से बात करनी चाहिए उससे, तुम लोग तो जानते हो इविल नन, इविल नन, इविल नन की ऐसी कम तैसी, मेरे को सिक्की बिड़ी टॉयलेट से काम है यार। इविल नन ने तो कुछ भी ना करा, छह बेकार चुड़ैल, ये कभी भी मेरे मदद ना करती है। पर इसने सलाह तो मस्त दी है, कैमरामैन, अगर कैमरामैन मेरे को मिल गया तो कतई मजे ही मजे हैं। पर पहले नंबर सिक्की बिड़ी टॉयलेट के पास चलते हैं। ओए सिक्की बिड़ी टॉयलेट, है क्या तू घर के अंदर? सिक्की बिड़ी टॉयलेट, ओ सिक्की बिड़ी टॉयलेट, मुझे भैया कैमरामैन दे सकता है क्या? अच्छा ठीक है यार, मैं कुछ करता हूँ यार। यारो इसने, इस सिक्की बिड़ी टॉयलेट ने कहा कि रोपी मैं तेरे को कैमरामैन तो दे दूंगा, लेकिन मेरे को ब्लैक सुपर कार देनी है। ब्लैक सुपर कार? पर वो तो इविल हल्क की सिटी में है ना, इविल हल्क की कार है वो तो। अगर मेरे को कैमरामैन चाहिए तो मेरे को ब्लैक सुपर कार देनी पड़ेगी इस सिक्की बिड़ी टॉयलेट को, तो चलो यार ब्लैक सुपर कार लेकर आते हैं। पर ब्लैक सुपर कार तो वो इविल हल्क के पास है यारो, अगर मैं इविल हल्क की सिटी में ऐसे ही चला गया ना रोपीरो बनके, तो वो मेरे को बहुत मारेगा कतई और जेल में भी फेंकवा देगा। हम लोगों को रूप बदल के जाना पड़ेगा। तुम लोग तो जानते हो मेरे जन्मदिन पे उस सुपरमैन ने मेरे को सुपरमैन की ड्रेस दी थी, हम लोग वही सुपरमैन की ड्रेस पहन के चलते हैं। वो सुपरमैन की ड्रेस इतनी पावरफुल है कि हम लोगों को 2 मिनट में उड़ा के लेके जाएगी उस इविल हल्क की सिटी में। एक बार मैं इविल हल्क की सिटी में पहुंच गया और मैंने उसके मिलिट्री बेस से ब्लैक सुपर कार ले ली, फिर तो कतई मेरे को मिल ही जाएगा। हाँ कैमरामैन, एक बार कैमरामैन मिल गया तो कतई, अरे यार एक तो इन पुलिस वालों ने मेरी ज़िंदगी की ऐसी कि तैसी करके रख रखी है। एक काम करता हूँ, टिप्टन के घर में ही मैंने रखी थी वो सुपरमैन की ड्रेस, जल्दी से चलता हूँ पहन के आता हूँ। ये देखो यार मैं पहन के आ गया, जल्दी से निकल ले रोपी रो, यहाँ की पुलिस वाले बहुत बेकार हैं, तेरे को पुंगी बजा देंगी तेरी। हाँ बस मैं पहुँचने वाला हूँ, बस थोड़ा सा दूर और है यहाँ से, 1 2 3 मैं आ गया, आखिरकार मैं आ ही गया यारो, मैं आ गया। देखो यार मैं आ गया इविल हल्क की सिटी में, और वो देखो वो रहा मिलिट्री बेस। एक बार बस मैं उस मिलिट्री बेस से किसी भी तरह से ले आऊँ सुपर ब्लैक कार, तो वो मेरे को दे ही देगा कैमरामैन। एक बार कैमरामैन मिल गया फिर तो मैं उसका बनाऊँगा एक मस्त मिलिट्री बेस, कतई मजे ही आएंगे। ओ वो देखो यार मैं इसको लाइट मारूं, इसको ये लेजर लाइट, अबे यार लेजर लाइट मेरी काम तो कर रही है लेकिन ये बहुत दूर खड़े हैं इसलिए ढंग से काम कर नहीं पा रही है, मेरे को पास जाना पड़ेगा। शिट यार उसने मेरे को देख लिया, अब इससे पहले ये सबको बता दे और इविल हल्क को भी बता दे मेरे को जल्द से जल्द सुपर कार लेके यहाँ से निकल लेना चाहिए। ओए शिट यार मैं तो गया कतई काम थे, जोरों की लग गई। वो देखो यार वो रही अपनी, ओए यार पागल व्यक्ति हो निकल जाओ इधर से, इनको रुको यार मजे से करते हैं। अबे यार इसके पास तो रॉकेट लॉन्चर है, मेरा सूट ज़्यादा देर तक सह नहीं पाएगा ये रॉकेट लॉन्चर, इनको बम से उड़ा देता हूँ। अब यार ये बम से उड़न भी तो ना रहे हैं, कतई बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, क्या ही करूँ मैं इनका, मेरे को तो कुछ समझ में ना रहा। निकल जाओ घटिया सोल्जरों, भाग जाओ इधर से। अब यार इन्हें तो मेरे को तोड़ दिया कतई, जोरों की लग गई। हाँ खैर कोई ना, मैं इनको छोड़ूंगा ना कतई, बहुत मारूंगा, बहुत जोर जोर से मारूंगा। निकल जाओ घटिया सोल्जरों, तुम्हारी तो ऐसी कम तैसी, फूटो इधर से। गए, अब जो दोनों बचे हैं इनकी भी ऐसी कम तैसी, बंदूक से उड़ा देता हूँ इनको। अबे रहन दे यार क्यों टाइम बर्बाद कर रहा है, मेरे को वैसे भी शाम होने से पहले पहले उस कैमरामैन को लेकर जाना है मिलिट्री बेस बनानी है, अगर नहीं लेके गया तो इविल हल्क को पता नहीं और क्या 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 नहीं करेगा। खैर जो भी हो हम लोगों को जल्दी से पहुंचना होगा, मैं आ रहा हूँ सिक्की बिड़ी टॉयलेट तेरे लिए सुपर कार लेकर उस इविल हल्क की। यारो मैं यार इस मिलिट्री बेस से तो निकल गया, अब मैं जल्दी से इस इविल हल्क की सिटी में से भी निकल जाऊँ तो सही है, वरना तुम लोग तो जानते हो इविल हल्क अगर आ गया तो वो मेरे को जाने ना देगा, बिल्कुल भी नहीं जाने देगा, चाय नाश्ता थोड़ी ना करवाएगा, वो मेरे को बहुत मारेगा यार। तुम लोग समझ जा करो यार, बेफालतू में समझाना पड़ता है नेक देर पे। हाँ यारो बस थोड़ी सी दूर और, थोड़ा सा और इसको आगे लेके जाऊँ और मैं बस पहुँचने वाला हूँ, बस पहुँचने वाला हूँ बाईस टाउन। भाई हट जा यार, काय को परेशान कर रहे हो मेरे को। और यही रोड जाता है अपने बाईस टाउन के लिए, मैं बाईस टाउन आ गया यार। तुम लोग ये देखो, उस सिक्की बिड़ी टॉयलेट ने कहा था कि रोपी में तेरे को यहीं पर मिल जाऊँगा, लेकिन अभी तक मेरे को दिखा क्यों नहीं, इसी रोड पर मिलने के लिए कहा था इविल हल्क, तो अब मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा क्योंकि अपन लोग बाईस टाउन में आ चुके हैं। बस ये मिल जाए मेरे को, कहाँ गया सिक्की बिड़ी टॉयलेट तेरी ऐसे कम तैसी मिलता क्यों नहीं है, तू कभी समय पे फ़ोन करूँ क्या? ओए सिक्की बिड़ी टॉयलेट कहाँ पर है, जल्दी आ, मैं आ गया तेरी ब्लैक सुपर कार लेकर। ओ अच्छा तू उधर ही है, ठीक है मैं आ रहा हूँ यारो, यहीं पर रोक देता हूँ। सिक्की बिड़ी टॉयलेट ने यही लोकेशन बताई थी। ओ सिक्की बिड़ी टॉयलेट मैं तेरी सुपर कार ले आया, फटाफट से मुझे अब कैमरामैन दे दे। ओ यारो ये देखो कैमरामैन, आखिरकार मेरे को मिल गया।
अब बनाऊंगा मैं फटाफट से एक मिलिट्री बेस, एक ऐसा मिलिट्री बेस जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। उसके बाद इतने सारे लोगों ने मिलकर हमारे खाली मिलिट्री बेस को बनाया एक मस्त मिलिट्री बेस। कैमरामैन वर्ल्ड मिलिट्री बेस। ठीक है ना, तो गुड डे आरो, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड डे आरो। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई तो अपने मर्जी से यार लाइक कर दो यार, ठीक है ना। और देखो यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तुम शेयर करो, ठीक है ना, करो यार, करो। गुड डे।